हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट पार्ट टू की समरी। फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, और अगर अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको देख लीजिएगा जाके। अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली सेकेंड पार्ट में क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा फिलोसफिकल है, लॉन्गर है, और जो मेन प्लॉट है वो सेकेंड पार्ट में ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है एक फ्लावरी मीडो से, जहाँ पे ट्विलाइट पे वो जो फर्स्ट है वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है, और वहाँ पे एंजल आती है, उसके साथ कुछ स्पिरिट्स भी आती हैं और क्या करती है, वहाँ पे अच्छा अच्छा सा सॉन्ग आती है। जो म्यूज़िक होता है बहुत ही ज़्यादा मेलोडी होता है, जिससे फर्स्ट बहुत अच्छी नींद सो जाता है। जब वो सो के उठता है तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है और बहुत एक्टिव होता है। अब इसके बाद स्टोरी टर्न होती है मेफिस्टोफेल्स की तरफ, जो कि इस टाइम पे एम्परर के कोर्ट में पहुंचा है और एज अ जेस्टा पहुंचा है। मीन्स एज अ जेस्टा का मतलब है जो कि कोर्ट्स में क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, वो ऐसा बन के वहाँ पे गया है और उस एम्परर से बात करता है और बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करेंसी बनाते हैं। मीन्स पेपर करेंसी के बारे में बात करता है, जिसको उस एम्परर को वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और वो उसको क्या करता है कि इसको अभी इसकी बातों को इग्नोर करता है और क्या करता है, अपने कोर्ट में बोलता है कि आप सब लोग ना, हम ऐश वेनस्डे की तैयारी करो, हम लोग इस डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद फाइनली ये लोग, वो डे आ जाता है और ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट भी होता है और मेफिस्टोफेल्स भी होता है। वो जो फंक्शन था ऐश वेनस्डे का, वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है, और नेक्स्ट डे सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं कि एग्जैक्टली हमारा, चलो ये फंक्शन था, ये अच्छे से निपट गया। और कोर्ट में सभी लोग होते हैं, और इस समय एम्परर की बातों से कुछ ऐसा लग रहा था कि जो एक दिन पहले मेफिस्टोफेल्स की एज अ जेस्टर वहाँ पर था, उसने जो करेंसी के बारे में बताया था, उस करेंसी के बारे में एम्परर को ना समझ आ गया और उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, हम लोग पेपर करेंसी निकालेंगे, जिससे जो हमारा स्टेट है वो और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएगा। अब उसी कोर्ट में एक जगह मेफिस्टोफेल्स और फर्स्ट प्राइवेटली बातें कर रहे थे। उसी टाइम पे वो एम्परर क्या करता है कि इनको बुलाता है और फर्स्ट से बोलता है कि तुम्हें पेरिस की स्पिरिट को और हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्पिरिट को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन्वोक करना है। तुम कैसे भी करके इन्वोक करोगे, तुम तो मैजिशियन हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट को अगर उन स्पिरिट्स को बुलाना था तो उसके लिए उसको हेल्प की ज़रूरत थी मेफिस्टोफेल्स की। लेकिन जब वो मेफिस्टोफेल्स से बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो कि पेरिस की स्पिरिट को बुलाने में और हेलेन की स्पिरिट को बुलाने में, तो बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ में जो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं वो है इटर्नल मदर्स। इटर्नल मदर्स का मतलब है वो मिस्टीरियस स्पिरिट्स, जो कि सभी लाइफ्स की सोर्स है, मीन जो सभी की लाइफ्स को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, तो तुम्हें उनसे जाके मिलना चाहिए। लेकिन वो जो मिस्टीरियस स्पिरिट्स हैं वो रहती हैं एकदम धरती में, बहुत ही ज़्यादा डीप में रहती है। अगर तुम उनसे जाके मिल लो तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ में। तो बोलता है फर्स्ट मेफिस्टोफेल्स की कि मैं कैसे ढूंढूं उनको जाके। तो वो क्या करता है, मेफिस्टोफेल्स एक इसको गोल्डन ज्वेल देता है, एक मैजिकल ज्वेल गोल्डन का होता है, वो देता है और उसको बोलता है कि ये तुम्हारी हेल्प करेंगे उन मिस्टीरियस स्पिरिट्स को ढूंढने में, जिनको कि आप इटर्नल मदर्स भी बोल सकते हो, और मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें उनके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा बिहेव नहीं करना है। तो ठीक है, वो उस ज्वेल को लेके फर्स्ट वहाँ से ढूंढने चला जाता है। अब जो होता है, इसको डाउट था कि पता नहीं ये चीज़ हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पता नहीं इसको इटर्नल मदर्स मिलेंगी भी कि नहीं मिलेंगी। अब फाइनली वहाँ पे क्या होता है, एक गॉथिक जैसा हॉल तैयार किया जाता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट होती है, और उस एम्परर ने सारा अरेंजमेंट कर दिया था कि अभी आज फर्स्ट यहाँ पे आएगा और पेरिस की और हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्पिरिट को इन्वोक करेगा यहाँ पे, और सभी लोग देखने के लिए कि किस तरीके से जो
ग्रीक का पेरिस था और हेलेना ट्रॉय की कैसी स्प्रिट होगी, ये लोग देखने के लिए क्या करते हैं, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन मेफिस्टोफेलेस को कहीं ये डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फॉस्ट उन स्प्रिट्स को इन्वोक ही ना कर पाए। फाइनली वहाँ पे फॉस्ट आता है और क्या करता है, मैजिक से पहले तो सबसे पहले ग्रीक्स को बनाता है, ग्रीक बंदा उस जगह को बनाता है जहाँ पे पेरिस और हेलेन ऑफ ट्रॉय रहते थे, और वहाँ पे फिर उन लोगों को इन्वोक करता है, दोनों के स्पिरिट्स को। लेकिन उन दोनों के स्पिरिट्स को देखने के बाद उस हॉल में जहाँ पे सब लोग इकट्ठा थे, बहुत ही ज़्यादा उस आर्टिस्ट से, मतलब जिस आर्ट से उसने उन लोगों को बुलाया था, वो बहुत ही ज़्यादा सब लोग ना उसे इम्प्रेस नहीं होते और इसको ना फॉस्ट को क्रिटिकली क्या करते हैं, इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। और उसके बाद सब लोग तो नहीं अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो फॉस्ट था वो क्या करता है कि हेलेन को देख के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो कोशिश करता है कि वो हेलेन को वहाँ से निकाल ले। जैसे ही वो तो पूरा मैजिकल फॉर्म था, जैसे ही वहाँ से हेलेन को टच करने की, उसको निकालने की कोशिश करता है, वैसे सडनली पता नहीं क्या होता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा ना परेशान हो जाता है, एकदम फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वैसे ही मेफिस्टोफेलेस इसको फॉस्ट को उठाता है और उस कोर्ट रूम से वापस लेके बाहर चला जाता है। और अब ये मेफिस्टोफेलेस फॉस्ट को लेके उस जगह पहुंचता है, मींस जहां पे ये फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ था फॉस्ट के स्टडी रूम से, वहीं पे ये इसको लेके पहुंच जाता है। और वहां पे ये क्या करता है कि फॉस्ट को लिटा देता है और जो फॉस्ट का कोट होता है, एकेडमिक कोट होता है, उसको पहन लेता है। और उसको पहनने के बाद सर्वेंट को बुलाता है जिसका नाम होता है यहाँ पर नाइकोडेमस। जो नाइकोडेमस है वो रिप्लेस हो गया है, मीन्स फर्स्ट पार्ट में जो फॉस्ट का सर्वेंट था उसका नेम था वैगनर, और अभी सेकेंड पार्ट में चेंज हो गया है और सेकेंड पार्ट में जिसका सर्वेंट अब उसका नाम है नाइकोडेमस। अब इसके बाद ये बुलाता है और इसको बोलता है कि तुम क्या करो, फॉस्ट को जगाओ, इसको जगाने की कोशिश करो क्योंकि ये ना बेहोश हो गया है। उसके बाद दिखता है कि वैगनर है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। जो एकेडमिक नॉलेज ये चाहता था फॉस्ट तो मेफिस्टोफेलेस के चक्कर में पड़ गया, लेकिन जो वैगनर था वो अपनी कंटिन्यू स्टडी करता रहा और आज के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वेल नॉलेजबल है, उसको इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है। तो वो मेफिस्टोफेलेस को दिखाता है कि देखो मैं एक ह्यूमन बीइंग बनाने जा रहा हूँ, मीन्स एक छोटा सा इंसान उसने बनाया है, बस मुझे इसमें थोड़ा सा ही काम करना बाकी है, उसके बाद ये ना ठीक हो जाएगा। तो बोलता है कि कौन मेरी और हेल्प कर सकता है, तो एक और ग्रेजुएट को बुलाया जाता है जो कि वहाँ पे आता है। जब वो ग्रेजुएट आता है, मींस जो वैगनर के साथ ही काम कर रहा था वो भी ग्रेजुएट होता है, जब वो आता है तो वो मेफिस्टोफेलेस को एकेडमिक कोट पहने हुए देखता है तो उसको लगता है कि ये कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसे बहस करने लगता है उस ग्रेजुएट के बीच में और मेफिस्टोफेलेस के बीच में क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बहस हो जाती है। तो वो क्योंकि वो जो ग्रेजुएट था वो मोर नॉलेजबल था, वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। अब जो ग्रेजुएट था जो कि बहस कर रहा था मेफिस्टोफेलेस के साथ, वो यहाँ से छोड़ के चला जाता है। अब ये जो वैगनर था जिसने छोटा सा ह्यूमर बनाया था, उसका नेम रखा था लिटिल मैन, वो क्या करता है कि वो ना एनिमेटेड रूप से ना बातें करना स्टार्ट करता है वैगनर से और मेफिस्टोफेलेस से। अचानक से उस लिटिल मैन की नज़र पड़ती है नेक्स्ट रूम पे जहाँ पे फर्स्ट ना फेंटेड कंडीशन में पड़ा था, तो वो देखता है और बोलता है कि कोई भी ना उसको होश में नहीं ला सकता, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसको होश आ जाए तो तुम्हें ग्रीस से जाना पड़ेगा, वहाँ पे वल्पर्गिस नाइट में वहाँ पे बहुत सारी ट्रू स्पिरिट्स आती हैं जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। तो ये बोलता है मेफिस्टोफेलेस की अरे ये कैसे पॉसिबल है, क्या क्या वहाँ पे होता है, तो बोलता है कि तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारी विचेस भी आती हैं, ट्रू स्पिरिट्स भी आती हैं, कि तो तुम्हें उनके साथ मज़ा आएगा, इंजॉय करना, और इसको ना फॉस्ट को भी होश आ जाएगा। इसकी बात यहाँ पे ये मान लेता है, बोलता है ठीक है कि मैं इसको लेके चला जाऊँगा। उसके बाद मेफिस्टोफेलेस क्या करता है, बोलता है वैगनर से कि तुम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो इस लिटिल मैन के साथ और मैं देखता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। अब इसके बाद यहाँ पे मेफिस्टोफेलेस फॉस्ट को लेके ग्रीस पहुँच जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इस सीन को समराइज़ नहीं किया गया है और सीन दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।
कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, किंगडम ऑफ स्पार्टा में, जहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि जो हेलेन है, अभी जस्ट ट्रोजन वॉर वहाँ पे हुआ है, और हेलेन है वो दूसरी वुमेन के साथ उसको बंदी बना लिया गया है और उसको किंग ऑफ स्पार्टा में लाया गया है, किंगडम में, और वहीं पे ये मेफिस्टोफिल्स भी है। लेकिन इस टाइम पे ये मेफिस्टोफिल्स ना डिस्गाइज में है, और इस टाइम पे जो इसका नेम है वो मेफिस्टोफिल्स ना हो कि इसका नेम है फोरकास। और यहाँ पे क्या करता है कि जब सारी वेमेन जितनी भी पकड़ी गई थी उनको ये लगता है कि कहीं हम लोग को मार ना दिया जाए, तो इससे हेल्प मांगती है मेफिस्टोफिल से और बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से निकाल के ले चलो। तो मेफिस्टोफिल्स क्या करता है कि इसको और हेलेन को और जो दूसरी विमेन थी उनको वहाँ से निकाल के फॉस्ट के कासल में छुपा देता है। अब यहाँ पे ये सब लोग सेफ हो जाते हैं। सेफ होने के बाद अब जो फॉस्ट है ये तो पहले ही हेलेन से बहुत ही ज़्यादा मीन्स इम्प्रेस था, तो क्या करता है अब ये हेलेन की ना फ्लैटरी करने लगता है, उसको कहता है कि तुम परेशान ना हो, एनी हाउ ना मैं तुम्हें और जो दूसरी विमेन है मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद ये हेलेन को राइम करना सिखाता है और ये दोनों एक दूसरे बिजी रहते हैं एंड फाइनली ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो कोरस होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इनकी तारीफ़ करने लगता है, इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रेस करता है। उसके बाद ये पता चलता है कि शायद जो ट्रोजन वॉर जिसने इन लोगों को सारे विमेन को कैप्टिवेट किया था, पकड़ा था, वो शायद अटैक करने के लिए आ रहा है। तो फॉस्ट अपनी आर्मी भेजता है और बोलता है कि जाओ तुम उन लोगों को संभालो, और यहाँ पे ये क्या करता है फॉस्ट हेलेन को बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो और हम लोग यहाँ से भाग के ना आर्केडिया चलते हैं, आर्केडिया इज़ अ प्लेस नेम, हम लोग वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत आराम से रहेंगे और हम लोगों को कोई भी वहाँ पे परेशान भी नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स ये लोग पहुँच जाते हैं आर्केडिया। आर्केडिया में पहुँचने के बाद इनको हेलेन को और फॉस्ट को एक बेटा होता है जिसका नाम होता है यूफोरियन। यूफोरियन जो नॉर्मल बेटा नहीं था, ये मींस स्ट्रेंज था, मैजिकल था, इसके अंदर बहुत पावर थी, ये बहुत हाई फ्लाई कर सकता था। अर्ली लाइफ में ही ये क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई क्लिफ्स में चढ़ता है, बहुत ज़्यादा हाइट में उड़ता है, तो इसके पेरेंट्स ने इसको क्या किया था, वार्निंग में दी थी कि इतनी अर्ली लाइफ में ये सब करना ठीक नहीं है, खतरे से भी डरना चाहिए, डर भी होना ज़रूरी है। लेकिन इसका जो बेटा था यूफोरियन, ये क्या कर रहा था, बहुत ऊँची ऊँची जगह उड़ के जा रहा था, ये पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना चाहता था। तो ये क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंथुसियाज में आके ये सबसे हाई क्लिप्स है, जो वर्ल्ड की सबसे हाई क्लिप्स थी उस पे चला जाता है, और उसके बाद ये वहाँ से ऊपर से नीचे गिर जाता है और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ होती है यूफोरियन की, तो इसकी बॉडी डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जिसने जो कपड़े पहने थे, इसके गारमेंट्स, और इसके पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, लायर जिसको बोलते हैं, वो वहीं पर ही बच जाता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स और जो कोरस था वहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा दुख मनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। उसके बाद हेलेन को आवाज़ सुनाई देती है, उसका बेटा यूफोरियंस को बार बार बुला रहा है और उसको बोल रहा है कि आप मुझे आके ज्वाइन कर लो। तो हेलेन क्या करती है, बोलती है फॉस्ट से कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, और कभी भी ब्यूटी और हैप्पीनेस कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। और वो अपना क्या करती है, अपना कपड़ा, एक अपना जिसे वो ओढ़ती थी, घूंघट बनाती थी, उसको छोड़ के वो वहीं पे चली जाती है। तो मेफिस्टोफिल्स उससे बोलता है कि तुम ऐसा करो, इसको एज अ मोमेंटो अपने पास रख लो, इससे तुम्हें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद मेफिस्टोफिल्स अपनी जो रियल आइडेंटिटी होती है वो उसके सामने रिवील करता है फर्स्ट के सामने, क्योंकि अभी वहाँ पे तो वो पूर ख्यास बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे वो क्या करता है, बताता है कि मेफिस्टोफिल्स है और बहुत ही जल्दी वो फर्स्ट से फिर से मिलेगा। और जो फर्स्ट होता है वो यहाँ पे बिल्कुल अकेला रह जाता है, उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। अब जब हेलेन यहाँ से छोड़ के चली जाती है तो फॉस्ट एकदम अकेला हो जाता है, वो माउंटेन को चेज करता है क्योंकि उसके दिमाग से अभी भी हेलेन जा नहीं रही थी। तो मेफिस्टोफिल्स सोचता है कि मुझे कैसे भी करके फॉस्ट को खुश करना है, तो उसको बोलता है कि चलो हम लोग कुछ करते हैं, तो ये लोग माउंटेन की ओरिजिन के बारे में बातें करते हैं, तो फॉस्ट इससे बिल्कुल डिसएग्री हो जाता है। इसके बाद मेफिस्टोफिल्स फिर से उसको एक ऑफ़र देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें दूसरी लाइफ
लाइफ के बारे में बता रहा हूँ जिसमें तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, तुम इस लाइफ से भी ज़्यादा खुश रहोगे। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे अब तुम्हारा कोई भी ऑफर नहीं चाहिए। तो बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें एम्परर के बारे में बताता हूँ। वो एम्परर इस टाइम पे अपने सिंहासन को बचाने के लिए पास की आर्मी में लड़ने गया है, तो क्यों ना हम दोनों लोग चलें उस एम्परर की हेल्प करें, और जो जब हम लोग उसकी हेल्प करेंगे वो जीत जाएगा, तो हम लोग गिफ्ट में उससे एक कोस्टल एरिया मांग लेंगे जिसमें मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत अच्छा होगा। इस चीज़ से फर्स्ट एग्री हो जाता है और फाइनली ये लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों लोग पहुंचते हैं उस एम्परर के रॉयल टेंट में और उसको बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं और हम आपको ये श्योरिटी दे सकते हैं कि अगर आप हमको मौका देते हो असिस्टेंट करने का तो हम आपकी आर्मी को ज़रूर जिताएंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्परर एग्री हो जाता है और फाइनली उस एम्परर की विक्ट्री होती है, उनकी आर्मी जीत जाती है। अब उसके बाद फाइनली जो एम्परर होता है वो सभी लोगों को गिफ्ट बांटता है और जो फर्स्ट का नंबर आता है तो उसे कोस्टल लैंड मांग लेता है। वो कोस्टल लैंड जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर से फिल था और दूसरे लोगों के लिए ना वो एकदम वर्थलेस था, तो और यहाँ पे जो एम्परर था वो इसको यही गिफ्ट में दे देता है। अब उसके बाद जब मेफिस्टोफेल्स और फॉस्ट उस कोस्टल लैंड में पहुंचते हैं तो वहां पे उनकी मुलाकात होती है एक ओल्ड कपल से, जो कपल वहां से बहुत टाइम से रह रहा होता है। तो उस कपल का नेम होता है फाइलमन और बॉयस। अब ये लोग बोलते हैं उस कपल से तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तो वो लोग प्रे करते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा करो इसके बदले कुछ और हम लोगों से ले लो, लेकिन हम लोगों को यहाँ से आप बिल्कुल मत निकालो। अब इसके बाद फर्स्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सोचता है कि हम लोगों का जो प्लान था वो तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो फर्स्ट क्या करता है कि एक दूसरी जगह अपना घर बनाना शुरू करता है। जब मेफिस्टोफेल आता है उसको पता चलता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या मैटर हो गया, क्योंकि कुछ टाइम के लिए एक छोटी सी ना जर्नी में चला गया था। तो बोलते उसको बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करता है मेफिस्टोफेल्स अपने 3 माइटी मैन को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और जो उस ओल्ड कपल का घर है उनको वहाँ से निकाल दो और कैसे भी करके उस प्रॉपर्टी में हम लोग कब्जा कर लेंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं 3 माइटी मैन जाते हैं और वो जो कपल था उनको और जो वहाँ पे और भी वॉन्डरर थे उनको क्या करते हैं मार डालते हैं। लेकिन जो उस कपल के फ्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी को उस ऑर्चर्ड ट्री को पूरा वहाँ पे जला देते हैं। अब जब ये चीज़ फर्स्ट को पता चलती है तो उसका अंदर से मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है ये सोच के कि अरे उस ओल्ड कपल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसको मन ही मन कुछ ऐसा मीन्स पहले से लगने लगता है कि शायद अब कुछ ना गलत होने वाला है। अब जो फर्स्ट है वो 1000 ईयर्स का भी हो चुका है, अब उसको पहले से जब ये फील होने लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अब जब फर्स्ट उस रात उस जलते हुए घर को देखता है तो उसको वहाँ से 4 विचेस दिखाई देती हैं। उन 4 विचेस का नाम होता है वॉन्ट, डेप्ट, डिस्ट्रेस एंड केयर, जिसमें कि वॉन्ट, डेप्ट एंड डिस्ट्रेस इसके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन जो केयर होती है वो इसके पास पहुंचती है और बोलती है कि तुमने ये अपने साथ क्या कर लिया और मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ। लेकिन तब इसको वार्निंग मिलती है कि केयर का जो भाई है डेथ वो तुरंत ना फर्स्ट के पास आने वाला है। तो केयर इसको बोलती है कि तुम अपने आप को इन सब चीज़ों से फ्री क्यों नहीं कर लेते हो। तो बोलता है फर्स्ट कि नहीं मैं अपने आप को अभी फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसके अंडर पे हूँ, मैं अंडर पे हूँ मेफिस्टोफेल्स के, जब तक वो मुझे नहीं फ्री करेगा तब तक मैं फ्री नहीं हो सकता। तो केयर बोलती है कि तुम अपने आप को फ्री कर लो, तो लेकिन फॉर बोलता है कि नहीं अभी मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, मैं जो वर्डली नॉलेज चाहता था अभी तक वो मुझे नहीं मिली है और मरने से पहले मैं एनी हाउ उस नॉलेज को पाना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता हूँ। तो केयर बोलती है कि इस लाइफ में कहीं भी पीस नहीं है, तो मेरी बात मानो अपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो और ना तुम एकदम अच्छे से जियो। तो बोलता है कि नहीं, जब केयर को ये लगता है कि फर्स्ट किसी भी कंडीशन में मेरी बात मानने को तैयार नहीं है तो वो उसको क्या करती है अंधा बना देती है कि शायद इस तरीके से वो मान जाए। अब उसके बाद जो मेफिस्टोफेल्स होता है वो क्या करता है कि
जो मेफिस्टोफिल था वो एक गैंग बुलाता है, वो गैंग था मंकीज का, लेकिन आप उसको यहाँ घोष्ट भी बोल सकते हो, और उनसे कहता है कि ग्रेव खोदो, और ग्रेव खोदने की आवाज़ आती है फॉस्ट को, तो उसको लगता है कि शायद मेफिस्टोफिल उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और फाइनली यहाँ पे ये बोलता है फॉस्ट, टू वर्ड्स बोलता है, स्टे दाउ आर्ट सो फेयर, और इतना कहने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो जो गैंग ऑफ लैमरस था, मीन्स मंकीज थे, आप उसको घोष्ट भी बोल सकते हो, उनकी बाहों में ही फॉस्ट की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, उसी ग्रेव में इसको दफना देते हैं। दफनाने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और मेफिस्टोफिल्स सोचता है कि फाइनली जो मैंने सोचा था वो मैंने कर लिया, और मैंने इसकी सोल को जीत लिया है, अब मैं इसकी सोल को अपने साथ ले जाऊँगा। इतने में से ना एंजल आते हैं हेवन से, और सॉन्ग गाते हैं, कोरस गाते हैं गॉड की प्रेस के लिए, हाइम गाते हैं, और बहुत सारे ना फ्लावर पेटल्स उसके ग्रेव पे स्प्रेड कर देते हैं, और जैसे वो नीचे आने लगते हैं तो क्या करते हैं कि मेफिस्टोफिल्स उनको आर्गुमेंट करने लगता है, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और वो फाइनली जो एंजल्स होते हैं वो इसकी सोल को लेते हैं, फॉस्ट की सोल को, और उसको लेके अपने साथ हेवन चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जो फॉस्ट था उसका पर्पज किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, एग्जैक्टली वो ट्रू लव था उसका हेलेन के लिए, और वो जो भी अपनी लाइफ में चाहता था वो सिर्फ नॉलेज चाहता था, उसकी जो सोल थी वो एकदम प्योर थी, जिसकी वजह से वो गॉड के पास उसकी सोल चली जाती है, और फाइनली जो मेफिस्टोफिल होता है वो यहाँ पे उसको डिफीट फील होता है कि मैं इसकी सोल को नहीं जीत पाया और मेरे साथ धोखा हुआ है। और फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे ये फॉस्ट का पार्ट टू ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।